हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि लॉयर और एडवोकेट में क्या फर्क होता है? और क्या आप ये जानते हैं कि सबसे पहले मुर्गी आई या अंडा आया? और क्या आपको ये पता है कि स्कूल के जो बस होते हैं उनका कलर येलो ही क्यों होता है? और क्या आपने चिकन आर्मी के बारे में सुना है? तो आप इस वीडियो में ऐसे अजब गजब फैक्ट्स को जानने वाले हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सके। फैक्ट नंबर 11, साउथ अफ्रीका में एक सांप पाया जाता है जिसका नाम है ब्लैक मांबा। अगर सांप आपको गलती से भी काट ले तो आपको भगवान के घर जाने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब मरने से कोई भी रोक नहीं सकता आपको, इतना खतरनाक होता है इस सांप का जहर। अगर इस सांप ने किसी इंसान को काट लिया है और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल नहीं लेके जाया गया तो 95% उसके मरने के चांस होते हैं, इतना खतरनाक है ये सांप। और हाँ, सांपों के बारे में एक और फैक्ट, सांप कभी अपने आप से कभी किसी को काटते नहीं है। सांप तभी काटते हैं जब उसे कोई छेड़छाड़ करता है या कभी गलती से उस पर पैर पड़ता है, तभी सांप काटते हैं। फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट नींद के बारे में है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, मतलब आपने बहुत ट्राई कर लिया कि बार बार सोने का ट्राई कर रहे हो, मतलब आपको नींद ही नहीं आ रही और आप बार बार ट्राई कर रहे हो सोने का लेकिन आप फिर भी सो नहीं पा रहे हो, मतलब आप सोना तो चाहते हो लेकिन आप सो नहीं पा रहे हो, तो क्या करना कि हमारी जो पलके होती है उसे ऊपर नीचे करते रहना, मतलब बंद चालू बंद चालू बंद चालू ऐसे करते रहना। ऐसे तब तक करना जब तक आपकी आंखें थक नहीं जाती है। ऐसे करने से आपको बहुत जल्द नींद आ जाएगी, ट्राई करके जरूर देखना एक बार। फैक्ट नंबर 9, कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो हर किसी को कोको कोला पीना पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो कोको कोला कंपनी है, मतलब ये जो आप इतनी बड़ी कोको कोला कंपनी देखते हो, ये शुरुआत से एकदम इतनी बड़ी नहीं थी। जब इस कंपनी कोको कोला बेचना स्टार्ट किया था तब इसके पहले दिन सिर्फ 25 बोतलें ही बिकी थी, मतलब जब इस कंपनी ने कोल्ड ड्रिंक्स बेचना स्टार्ट किया था तब उसके पहले दिन सिर्फ 25 ही बोतल बिकी थी। फैक्ट नंबर 8, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। सर बिल गेट्स कहते हैं कि अपने आप को कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, मतलब अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान के साथ कभी मत करना। अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान के साथ करना ये बहुत बड़ी इंसल्ट होती है। ऐसे मैं नहीं कहता, ऐसे सर बिल गेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है और आपका फ्रेंड और आप एक ही कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हो और आपका फ्रेंड पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा होशियार है आपसे, तो उसके साथ कभी कंपेयर मत करना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे जो फ्रेंड्स है मैं उनसे तुलना करता था कि यार वो तो बहुत होशियार है और मैं क्यों इतना डब्बू हूँ, तो मेरी तुलना मैं उनके साथ करता था। लेकिन आप छोड़ दिया है अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करना, इसमें कोई भी फायदा नहीं है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले अंडा आया या सबसे पहले मुर्गी आई? आपके दिमाग में ये कभी ना कभी तो क्वेश्चन आया ही होगा कि सबसे पहले मुर्गी आई या अंडा आया। अगर आपको अभी तक इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला है तो मैं इसका जवाब देता हूँ कि सबसे पहले मुर्गी आई या अंडा आया। तो सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, मतलब वैज्ञानिक के अनुसार, अंडे में एक प्रोटीन पाया जाता है जो सिर्फ मुर्गी ही उत्पन्न कर सकती है, तो इसे ये माना जा सकता है कि सबसे पहले मुर्गी आई। फैक्ट नंबर 6, एक रिसर्च में ऐसा पता चला है कि जब हम रात को किसी इंसान के बारे में सोचते हैं, मतलब जब हम रात को सोने से पहले किसी इंसान के बारे में सोचते हैं, तो वो इंसान हमारे दुख या सुख का कारण होता है। मतलब आप रात को सोने से पहले जिस किसी इंसान के बारे में सोचते हो, वो कोई भी हो, फिर आपका फ्रेंड रिलेटिव या कोई भी फैमिली मेंबर, कोई भी हो, अगर आप उनके बारे में सोचते हो सोने से पहले, तो वो आपका सुख या दुख का कारण होता है, ऐसा एक रिसर्च में पता चला है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। ये एक ऐसा देश है कि वहाँ पर इंटरनेट यूज करना इलीगल है, मतलब वहाँ पर कोई इंटरनेट यूज नहीं कर सकता, वहाँ पर इंटरनेट यूज करना इलीगल है। अगर कोई वहाँ पर इंटरनेट यूज करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, हाल ही में इंटरनेट पर एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपको दिखा दूं। वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। चाइना में एक किसान है जिसका नाम सैंग विंग्स है, लेकिन फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि इनके पास 70,000 मुर्गियाँ है, मतलब ये सैंग विंग्स 70,000 मुर्गियों को पालते हैं, इसे चिकन आर्मी भी कहते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे सैंग विंग्स अपने मुर्गियों को खाने के लिए डाल रहा है। फैक्ट नंबर 3, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग है कि जिन्हें लॉयर और एडवोकेट के बारे में फर्क नहीं पता है, मतलब वो लॉयर और एडवोकेट को एक ही समझते हैं। तो लॉयर और एडवोकेट में कुछ फर्क होता है। फर्क ये होता है, लॉयर और एडवोकेट में लॉयर जो होता है वो आपको कानूनी मामले में कुछ मदद कर सकता है या कुछ सजेशन दे सकता है, आपका केस नहीं लड़ सकता क्योंकि उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम नहीं पास की होती है, इसलिए वो आपका केस नहीं लड़ सकता। और जहाँ तक बात है एडवोकेट की, तो एडवोकेट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम पास की होती है जिससे वो किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है, तो समझे लॉयर और एडवोकेट में ये फर्क होता है। फैक्ट नंबर 2, एक स्टडी के हिसाब से जो लड़के होते हैं ना, वो अपने लाइफ का पूरा एक साल बस लड़कियों को देखने में वेस्ट करते हैं, मतलब अपने पूरे लाइफ का बस लड़कियों को देखने में ही वेस्ट करते हैं, बताओ। और जो लड़कियां होती है ना, वो पूरे अपने 10 साल बस यही सोचने में बिता देती है कि मैं क्या पहनूं, मतलब अपने लाइफ के पूरे 10 साल बस यही सोचने में बिता देते हैं कि मैं क्या पहनूं। फैक्ट नंबर 1 को बताने से पहले, अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच,
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल जरूर करना। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है कि स्कूल बस का कलर येलो ही क्यों होता है? मतलब जब कभी आपने स्कूल बस को देखा होगा वो येलो कलर में ही देखा होगा, बट क्वेश्चन हमारा ये है कि स्कूल बस का कलर येलो ही क्यों होता है? मतलब स्कूल बस का कलर येलो ही क्यों होता है? मतलब दूसरा भी कोई कलर हो सकता है, जैसे रेड, येलो, पिंक, ऐसा भी कोई कलर हो सकता था, बट येलो ही क्यों? तो इसका आंसर ये है कि पीला रंग दूर से देखने के बाद एकदम साफ दिखाई देता है। जैसे आपने पीके मूवी देखी होगी, वो एक हेलमेट पहनता है और जो भीड़ में सबसे अलग दिखाई देता है, मतलब एकदम साफ दिखाई देता है भीड़ में। और दूसरा रीजन ये है कि पीला रंग आपके आंखों के अटेंशन को जल्दी कैच कर लेता है और इसी वजह से स्कूल बस का कलर येलो होता है। और हाँ, इंडिया में ही नहीं बाकी अदर कंट्रीज में भी स्कूल बस का कलर येलो ही होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंदर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।